यूपी के फिरोजाबाद जिले में अनोखी पूजा होती है। इस आयोजन में काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर हवन यज्ञ करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ग्रामीण मानते हैं कि इससे जो बरसात की बीमारी होती है उसका पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। शिकोहाबाद कस्बे के गांव डंडियामई में सोमवार को बरसात की बीमारी भगाने का देशी नुस्खा देखने में आया। मंदिर से पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ जो वर्षों पुरानी परंपरा है। ग्रामीण इसे काफी समय से कर रहे हैं। देशी आयुर्वेदिक लोवान, गंधक, सरसों का तेल, रात गुबलुल का आग में प्रयोग कर घर घर उस हवन की आग को घुमाया जाता है। विशेष कार्यक्रम देवस्थान से शुरू होकर फिर गांव की गलियों में दिखाई देता है। ग्रामीणों की माने तो बारिश के मौसम में गली मोहल्ले में पानी से पशुओं में खुरक, खुरपका और मुंह पका जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। इस पूजा के बाद वे नष्ट हो जाते हैं। गांव का एक बलशाली व्यक्ति पहले नए घड़े के खपरे ले जाता है, लेकिन अब इसे बड़े बड़े झाबे पर दो व्यक्ति उठाते हैं। इसमें एक पहलवान हनुमान जी के खप्पर को उठाता है तो दूसरा माता काली का। इन दोनों खप्परों को लेकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। घरों में घुसकर मनुष्यों के निवास से पशुओं के निवास तक ले जाया जाता है ताकि बीमारी जनित कीड़े किसी गली मोहल्ले और घर में ना रह जाएं। रात में की जाने वाली इस पूजा को आस्था और विश्वास के साथ ग्रामीण पूरी शिद्दत से बीमारी भगा रहे हैं। जनपद में जारी डेंगू वायरल बुखार का प्रकोप पूरे जिले में भयंकर कहर ढा रहा है। आए दिन मौत हो रही है। मौतों से परेशान ग्रामीण पुराने नुस्खे आजमाने को मजबूर है। अभी तक कोरोना से भयभीत जनमानस को अब डेंगू मलेरिया बुखार का डर सता रहा है। जहां एक तरफ सरकार टीका इजाद कर रही है तो नई नई बीमारी भी कई घरों के चिराग बुझा चुकी है। घर घर वायरल से बीमारी की चारपाई बिछी है। ऐसे में ये ग्रामीण हॉस्पिटल पर तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर पुराने नुस्खों से बीमारी भगाने के उपाय ढूंढ रहे हैं। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, जो जिले में फैली बीमारी की अजूबी पूजा हो रही है। पशु और मनुष्यों के लिए सबके लिए ये लाभदायक होती है। किस तरह की पूजा है ये? जैसे जो गंदी गंदी बीमारियां फैलती हैं उनके लिए ये पूजा की जाती है। इसका जो धुआं होता है गंदे का, रार का, गोबर का, ये सारे गांव में दिया जाता है पशु और लोगों के, बहुत फायदेमंद है बीमारियों के लिए। कब से कर रहे हैं ग्रामीण? अरे बहुत पुरानी चली आ रही है। हर साल करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। तो ये लेके ये जो खप्पर टाइप का चल रहा है आग, क्या उद्देश्य है इसका? इसका ये बीमारी नहीं, पशुओं को नहीं आती है, लोगों को भी इस बीमारी से निजात मिलती है। अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है ये। पुरुष, महिला, बच्चे और जानवर सबके लिए लाभदायक? सबके लिए लाभदायक। कौन सी पूजा बोलते हैं इसे? माता महावीर की पूजा बोलते हैं। भादों के महीने में अधिकतम होती है ये।